हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब नया चैप्टर, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम देख रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब जैसा कि जब हम थ्योरी पार्ट ईएमआई का पढ़ा रहे थे तो उसमें ये सब चीज़ हम बताए थे, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो उसमें हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आपको बता देते हैं, थोड़ा सा शॉर्टली, उसके बाद हम सारा क्वेश्चन उसी पे बेस्ड करेंगे। तो एक समझिए कि ये बॉक्स है, स्क्वायर है, बॉक्स है ये, इसका स्पीड आपको दे दिया हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से राइट साइड इधर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से। और आपसे पूछ रहा है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, इन द सेंस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया हुआ है जिसका वैल्यू आपको 0.6 टेस्ला दिया हुआ है, और इसका लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा जबकि टी इजकल टू 2 सेकेंड, टी इजकल टू 10 सेकेंड, 22, 30 सेकेंड आफ्टर ऑल। तो आइए एक एक करके इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहले याद रखिएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला कैरेक्टर आया कैसे। इससे पहले हम जो चैप्टर पढ़ा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, तो पहले होता क्या है, करंट चेंज करता है। तो ध्यान से देखिए, इसका हम एक वेन डायग्राम बना देते हैं। करंट किसी सर्किट में पहले क्या होता है, करंट चेंज करता है, इंक्रीज या डिक्रीज, इसके वजह से इससे एसोसिएटेड होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या किए, उस सर्किट में सबसे पहले करंट चेंज किए, तो करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड ये चेंज होता है, बढ़ता है घटता है, तो इट्स चेंजेस। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया उसके वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे से एसोसिएट हुआ। पहले हम क्या किए, शुरुआती में हम करंट चेंज करते हैं। इस चैप्टर का थोड़ा सा हम कोर पार्ट बता दें जिससे आपको समझने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या किए, पहले आप करंट चेंज किए, उसके वजह से क्या हुआ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, और इसके वजह से क्या चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो उसके वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है। तो ध्यान से देखिए यहां से पूरा, और इसी में हम दो चीज देखे थे, एक ईएमआई में सेल्फ इंडक्शन, तो म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। तो अपने वजह से, मतलब अपने में करेंट चेंज करें और उसके वजह से सेल्फ इंडक्शन, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, फिर म्यूचुअल इंडक्शन, तो इंडक्टेंस। तो उसमें जब हम देखते हैं तो अपने वजह से जो क्रिएट होता है तो उसको सेल्फ इंडक्टेंस कह देते हैं, दूसरे में करंट चेंज होने के वजह से, पहले लूप में दो लूप बनाते हैं, एक लूप में करंट चेंज करते हैं, दूसरा में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ हम क्यों नाम दिए, ईएमएफ भी तो दे सकते थे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट ये न्यू टाइप का फोर्स होता है इसीलिए इसका नाम हम इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये न्यू इंड्यूस्ड होता है, ये जो ईएमएफ होता है ये क्रिएट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से, उसमें एक फील्ड ईएमएफ क्रिएट होता है, उसी का नाम हम देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो लिटिल बिट आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसी का कंसेप्ट यूज करके इसमें हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि 2 सेकेंड आफ्टर 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में पहले देखते हैं ये पहुंचेगा कहां तक। तो जैसा कि इसका स्पीड आपको दे दिया हुआ v इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसके हिसाब से 2 सेकेंड में कितना जाएगा, 2 सेंटीमीटर आगे जा पाएगा, तो 2 सेंटीमीटर यानी कहीं यहां पे पहुंचेगा, कहीं भी पहुंचेगा। तो जब यहां पहुंचेगा, ये आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर,
और यहां तक अगर पहुंचा 2 सेंटीमीटर तक, तो जैसा कि हम बताएं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हम क्या करेंगे, डी फाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू बी इंटू फाई। फाई का क्या मतलब है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसके चेंज होने से क्या आता है यहां पे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ हम निकाल लेते हैं। और फाई इसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका वैल्यू होता है बी डॉट ए। अब बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है, एरिया वेक्टर, ए इज एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। अब बी है आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम क्या निकालेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे दिया हुआ है टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड में ये अंदर जाएगा, ये आपको दिया हुआ है टी इज इक्वल टू 0 से ये अपना जर्नी स्टार्ट किया। तो हम फिर निकालेंगे डी फाई बाई डी टी। अब आपको पता है फाई बराबर क्या होता है, बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है बी डॉट ए, इसमें आप याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या दिया हुआ है, प्लेन के इनसाइड, और यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होता है, प्लेन के आउटसाइड। तो वहाँ दोनों के बीच का एंगल अगर आप देखिएगा, दोनों को सेम डायरेक्शन में ले लीजिए, क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच में बी डॉट ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 दैट इज, तो बी डॉट ए ही होगा। और अगर आप एम्पलीट्यूड निगेटिव लें, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन, तब भी क्या हो जाएगा, कॉस 180, कॉस 180 क्या हो जाता है, कॉस 180 आपका हो जाएगा -1। तो उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप कोई भी डायरेक्शन लीजिए, एरिया वेक्टर हमेशा या तो प्लेन के परपेंडिकुलर लेते हैं दोनों साइड, इन साइड आउट साइड, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अगर 0 लेते हैं तब भी मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया हुआ है, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, डेट इज 0.6 टेस्ला। तो 0.6 टेस्ला ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। एरिया, अब ध्यान से देखिए, इसका एरिया, इस बॉक्स का एरिया क्या होगा, इस बॉक्स का एरिया आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो इसका एरिया, तो एरिया इसका हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आ गया। तो इसमें चेंज कितना एरिया किया, तो ध्यान से देखिए, पहले जब टी इज इक्वल टू 0 पे था तो इसमें कुछ भी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर था। टी इज इक्वल टू 0 पे ये जो बॉक्स है ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर था, और मैग्नेटिक फील्ड के बाहर अगर हुआ तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें चेंज नहीं करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स नोट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। सो मैग्नेटिक फ्लक्स ही अगर चेंज नहीं करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का तो सवाल ही पैदा नहीं लेता। मतलब क्या समझ में आता है कि फर्स्ट पार्ट में चेंज करेगा, सेकेंड पार्ट में चेंज करेगा, बट ये लास्ट वाले 22 सेकेंड में ये क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस कर जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चला जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड से ही अगर बाहर चला गया तो क्या होगा, उसमें करंट चेंज तो करेगा लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स चेंज करने से, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से आता है। बट जब ये 10 सेकेंड तक कहाँ जाएगा, 10 सेकेंड में ये, 10 सेकेंड में ये जाएगा, स्पीड इसका कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा बात है कि ये कहीं और आगे आ जाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा, तो लेकिन रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो क्या था, टी इज इक्वल टू 0 पे, टी इज इक्वल टू 0 पे क्या था, टी इज इक्वल टू 0 से लेके टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक, इसमें क्या आप देखें, इसमें आपको देखने को मिला कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हुआ। पहले क्या था, पहले 0 था, अगर पहले मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें देखिएगा तो 0, अब कितना हुआ, तो अब चेंज हुआ।
अब ध्यान से देखिए, जब t इज इक्वल टू 10 सेकेंड की बात करें तो 10 सेकेंड में कहां तक जाएगा? सिंपल सा बात है, 1 सेंटीमीटर इसका स्पीड है, तो ये होपफुली ये कितना जाएगा, 10 सेंटीमीटर आगे जाएगा, तो यानी कि हाफ आ जाएगा, यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड के बीचों बीच आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब हमको क्या निकालना होता है, चेंज। तो इस बात पे हमेशा फोकस कीजिएगा, चेंज। चेंज का मतलब होना चाहिए या तो बढ़ना चाहिए या तो घटना चाहिए, या तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करे या तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करे। इसीलिए हम इस चीज का साइन दिए हैं। इसका साइन का मतलब है कि या तो वो इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे, कांस्टेंट नहीं रहे। तो ध्यान से देखिए, t इज इक्वल टू अगर हम 2 सेकेंड पे बात करते हैं तो भी उतना ही इसका फ्लक्स था, और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे भी उसका फ्लक्स सेम है। मतलब चेंज की बात अगर करें, यानी कि बढ़ रहा है घट रहा है नहीं, तो अगर चेंज की बात करें तो जीरो हो जाएगा, और अगर किसी में चेंज ही नहीं आता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कभी जनरेट नहीं होगा। सो इसमें ये जो साइन है इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस साइन इंडिकेट्स द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक करंट इन दैट सर्किट। अब ध्यान से देखिए, तो अगर चेंज नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाले में तो आपका आंसर ये आ गया। अब इसको अगर इजी कर लिए तो क्या आ जाएगा, सिंपली वैल्यू आपका आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू यहां पे हम लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.6 टेस्ला है, या 5 × 2 हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर कितना सेंटीमीटर जा रहा है, 2 सेंटीमीटर। तो एरिया में चेंज कितना आया, तो हम हर चीज में हम लिखेंगे चेंज, एरिया का भी चेंज होना चाहिए। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर नहीं किया तो एरिया क्या था, जीरो था। अब एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा जितना ये डिस्टेंस कवर करेगा, तो 5 सेंटीमीटर ये, और गया कितना, यहां से ही शुरू किया तो टोटल ये डिस्टेंस कितना, तो टोटल एरिया कितना कवर किया, तो टोटल एरिया कवर किया 2 सेकेंड में कितना, 5 सेंटीमीटर इंटू 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ 5 × 5 एरिया किसका लेंगे, एरिया हम स्क्वायर का नहीं लेंगे, एरिया क्या लेंगे, जितना डिस्टेंस जितना एरिया वो कवर कर रहा है, एरिया कवर्ड बाय द दिस बॉक्स। एरिया कितना कवर किया, पहले ये t इज इक्वल टू 0 पे ये कांस्टेंट था, अब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो 2 सेकेंड में ये कितना एरिया कवर करेगा, इसका स्पीड कितना है ये दिया हुआ है, तो 2 सेकेंड में ये कितना कवर कर लेगा, और इसका लेंथ कितना है, सिंपल सा बात है, इसका लेंथ आपको 5, तो 5 × 2, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 5 × 2 ये कवर करेगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5 × 2 10⁻⁴, तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली, तो ये आपका आ जाएगा 0.3 × 10, तो ये आपका आ जाएगा 3 × 10⁻⁴ वोल्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट का आ गया। तो इसमें क्या देख रहे हैं, इस वैल्यू को आप हमेशा याद रखेंगे कि चेंज होना बहुत जरूरी है, अगर चेंज नहीं होगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो फर्स्ट में क्या था, पहले एरिया जीरो था, यानी ए इक्वल टू 0 था, अब एरिया क्या हो गया, जैसा कि 2 सेंटीमीटर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया। तो ध्यान से देखिए, ये लेंथ इसका कितना है, ये लेंथ आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर × 2, तो सिंपल सा बात है कि टोटल एरिया कितना कवर करें, तो 5 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर यू विल गेट द वैल्यू, दिस इज द न्यू एडेस। अब न्यू एरिया हुआ 5 सेंटीमीटर से आगे गया और 2 सेंटीमीटर और आगे गया। तो ध्यान से देखिए, 5 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसका क्या है, 5 सेंटीमीटर ये स्क्वायर है, तो इसका पूरा लेंथ होगा। अब ध्यान से देखिए, सेकेंड पार्ट तक पहुंच गए, तो सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, ई सेकेंड पार्ट में क्योंकि जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एरिया दोनों में सेम ही रहेगा, चेंज कुछ नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है, पहले भी वही था अब भी वही है। अगर फ्लक्स नहीं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज कर रहा है, तो फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, फ्लक्स नहीं चेंज करेगा तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो सेकेंड पार्ट में जो कि आपको दिया हुआ है t इज इक्वल टू
टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड बाद क्या होगा, तो टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड बाद क्या होगा, चेंज नहीं होगा, पहले भी वही एरिया है अब भी वही एरिया है, तो यहां से चेंज आपको जीरो मिल जाएगा, तो बी पार्ट में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई दैट इज इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं सी पार्ट, सी पार्ट आपका आ गया 3 × 10⁻⁴ वोल्ट, सो होपफुली वी हैव टू चेंज, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अब 10 सेकेंड में हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज किया, और मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, सिंपल सा बात है, बी डॉट ए होता है। अब ध्यान से देखिए, चेंज अगर हम निकाले 5 सेकेंड 2 सेकेंड से, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम, और मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज नहीं करेगा तो एरिया क्या चेंज करेगा, एरिया तो ऑफकोर्स चेंज नहीं करेगा, तो सिंपल सा बात है कि चेंज, पहले एरिया जीरो था, पहले एरिया जीरो था, अब एरिया क्या हो रहा है, सिंपल सा, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं कर रहा है बट एरिया चेंज कर रहा है। पहले एरिया क्या था, मैग्नेटिक फील्ड से जब बाहर रहते हैं तब क्या था, एरिया जीरो था, पहले ए पार्ट में एरिया जीरो था, बाद में कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस, सिंपल सा बात है, तो 2 सेकेंड में एरिया कितना कवर किया, ये सिंपल सा बात है, 5 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर, तो दिस सिंपल सा बात है कि यहां से अगर हम देखें तो एरिया चेंज किया 5 सेंटीमीटर, और 2 सेकेंड में दो 2 सेंटीमीटर आगे, तो एरिया कितना चेंज किया, ये 10 × 10⁻⁴ मीटर इतना एरिया चेंज किया था, तो हम क्या निकाले थे, डिवाइडेड बाय d φ/dt, डिवाइडेड बाय टाइम, ये कितना सेकेंड में हुआ था, 2 सेकेंड में हुआ था, तो डिवाइडेड बाय 2। लेकिन इस बार मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं कर रहा है, और दूसरा एरिया भी चेंज नहीं कर रहा है, एरिया कांस्टेंट है, जब मैग्नेटिक एरिया कांस्टेंट है, एरिया उसी में मूव कर रहा है, तो एरिया नहीं चेंज करने की वजह से टी इज इक्वल टू 2 में मैग्नेटिक फील्ड चेंज है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, दैट इज 0.6 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, अब एरिया भी कांस्टेंट है, वही एरिया है, तो आपका आ जाएगा E इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF दैट बिकम्स जीरो, इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं सी पार्ट, सी पार्ट आपसे कह रहा है कि टी इज इक्वल टू 22 सेकेंड के बाद आप बताइए, तो 22 सेकेंड के बाद होपफुली ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हर चीज को हम उसके प्रीवियस से देख रहे हैं, तो पहले टी इज इक्वल टू जीरो पे देखें, फिर टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखें, फिर टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे देखें। अब हम देखते हैं 20, अब ध्यान से देखें 22 सेकेंड में ये 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करके कुछ ये बॉक्स यहां आ जाएगा 5 सेंटीमीटर एग्जैक्टली, तो देखिए अब चेंज करेगा, क्यों, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ गया दैट मींस एरिया क्या हो गया, जीरो। एरिया का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या एरिया है, एरिया इन द सेंस कि मैग्नेटिक फील्ड में एरिया कितना चेंज किया, ये इंपॉर्टेंट है, एरिया इट मींस, अब एरिया का मतलब यह नहीं है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, नहीं, एरिया वो मैग्नेटिक फील्ड में कितना कवर किया, एरिया कवर्ड बाय एरिया कवर्ड बाय, एरिया कवर्ड बाय, कवर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड रीजन, मैग्नेटिक फील्ड रीजन, मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में कितना कवर किया, तो क्या हुआ, पहले एरिया इसका कुछ भी था, लेकिन अब एरिया, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा 22 सेकेंड में, तब वही कंसेप्ट हो जाएगा जो कि सिंपल सा बात है, यहां तक पहुंचेगा तो इसका एरिया कुछ और रहेगा, इसका एरिया क्या रहेगा, सिंपल सा बात है, चेंज हम जब भी देखते हैं तो चेंज की बात करते हैं, क्योंकि चेंज के वजह से ही चेंज आता है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, डी फाइव बाई डी टी 20 सेकेंड तक तो ऐसे ही मूव करते रहेगा, तो चेंज क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, फाइनली ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर आगे जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, और इसका क्या है, 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, तो 2 सेंटीमीटर में इतना जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा
मीटर में अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 सेंटीमीटर को करेंगे 10⁻², 10⁻², तो ये आपका आ जाएगा 10 × 10⁻⁴। तो ये इतना एरिया बाहर ही चला जाएगा, अब इस मैग्नेटिक फील्ड से ये बाहर चला जाएगा। कितना बाहर जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड आपको 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो उससे बाहर हो जाएगा। तो फुल्ली इस वाले वाले में भी वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो फर्स्ट बार। अब लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, टी इक्वल टू 30 सेकेंड में, तो टी इक्वल टू 30 सेकेंड में 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या लेना होता है हर बार, चेंज। अब चेंज क्योंकि ये भी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो चेंज तो कुछ हो ही नहीं रहा है। चेंज तब हो जब कुछ चेंज हो, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आएगा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो इसके बीच में चेंज आया ना, एरिया का चेंज आया। मैग्नेटिक फील्ड तो सिंपल सा बात है, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से ही चला गया, तो यहां से क्या हो जाएगा, वही निकालेंगे सी पार्ट, और डी पार्ट में क्या हो जाएगा, डी पार्ट में 0 हो जाएगा। तो फिर निकलेंगे डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज ई, तो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू आपको दिया 0.6 टेस्ला, बी इंटू ए डिवाइडेड बाय टाइम। सिंपल सा बात है, टाइम, टाइम में कितना चेंज हो रहा है, तो सिंपल सा बात है 2 सेकेंड। क्यों 2 सेकेंड, तो ये हमेशा देखिए कि इसके बाहर कितना गया, उतना ही एरिया और उतना ही टाइम से हम डिवाइड करेंगे, तो 2 से 22 से डिवाइड नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि 22 तक ये पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर रहा था। तो यहां से आ जाएगा 0.6 × एरिया का कितना चेंज हुआ, पहले क्या था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, अब मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो दोनों में चेंज कितना से हुआ, तो सिंपल सा बात है अब इसका एरिया इतना हो जाएगा क्या, 10 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से आपका 3 × 10⁻⁴ वोल्ट, जो कि पहले भी वही आया था, एग्जैक्टली वही काम हम पहले भी किए। और लास्ट वाले पार्ट में आपसे पूछा है कि डी पार्ट जो कह रहा है कि टी इज इक्वल टू 30 सेकेंड में क्या होगा, टी इज इक्वल टू 30 सेकेंड में, लास्ट पार्ट में आपसे पूछा है टी इज इक्वल टू 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड में क्या चेंज हो जाएगा, होपफुली क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ही है, तो टी इज इक्वल टू 0 पे भी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ही था, तो इसमें क्या हो जाएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, बी फ्लक्स, इसमें क्या है, चेंज इसका 0 है, तो जो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज नहीं कर रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, बी इंटू ए, एरिया चेंज नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो पहले भी चेंज नहीं करता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, सो होपफुली ई इज इक्वल टू 0। तो क्या हम देखें, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड से टी इज इक्वल टू 22 सेकेंड में भी 0 आया, और क्या आया, 22 से लास्ट में, यानी कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ते हैं तो वो हम क्या पढ़ते हैं, चेंज पढ़ते हैं, यहाँ पे हम चेंज का साइन दे देते हैं इस चैप्टर के ऊपर ही, जिससे आपको ये क्लियर हो कि चेंज आपको इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। होपफुली ये जो क्वेश्चन है एचसी वर्मा का क्वेश्चन आपका हर एक टाइप का कंसेप्ट क्लियर कर देगा, एक प्रॉब्लम में समझिए 4 प्रॉब्लम था, सारे को एक दूसरे से कनेक्ट करके एनालाइज करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा टाइप चेंज कर रहे हैं, इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और एक रेक्टेंगल इस बार दिया हुआ है, जिसका लेंथ आपको 32 सेंटीमीटर और इसका विड्थ जो कि आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 2 ओम, और आपको क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे दिया हुआ है जो कि 0.02 टेस्ला है, और एग्जैक्टली आपको इसका भी वैल्यू दिया हुआ है फोर्स। अब जैसा कि हम बताए थे मैग्नेटिक फोर्स, बी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आपको क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू सिंपल हो जाता है आई डीएल क्रॉस बी,
और आपको इसमें क्या क्या पूछा है। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कांस्टेंट स्पीड बताइए, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, इस लूप में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इधर कौन सा पोटेंशियल बनेगा हाइयर लोअर, तो ये एक एक करके हम देखेंगे। और लास्ट में सीओडी, मतलब एक क्वेश्चन में आपका सिंपल सा बात है चार पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट से ही इसको देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी, जैसा कि अबला नारी करके हम इसको बताए थे आईडीएल क्रॉस बी, और इसमें हम ये भी बताए थे डीएल का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन होता है जो करंट का होता है, इससे डायरेक्शन में भी कंफ्यूजन ना आए। तो इसमें डीएल भी देख लिए, तो अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा। अब सिंपल सा बात है, कुछ ऐसा दिया हुआ है और ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है कि अंदर जा रहा है, राइट या लेफ्ट कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सिमेट्रिकल के से। तो हम देखते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, पता है कि क्रॉस आपको मैग्नेटिक फील्ड इस बार दिया हुआ है, दैट इज इन पार्ट ऑफ द प्लेन, ऑफ द प्लेन। अब ध्यान से देखिए, तो इसमें करेंगे आई बीएल, इसका लेंथ इंपोर्टेंट लेंथ है, विड्थ इंपोर्टेंट नहीं है। तो क्या है लेंथ, डीएल क्रॉस बी साइन 90। सो आई बी आई, इसमें लेंथ को एल ले लेते हैं और बी, तो ये आपका होता है क्या मैग्नेटिक फोर्स। अब ध्यान से देखिए, आपको एक चीज और दिया हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू, अब इसको मैग्नेटिक फोर्स बी फोर्स को हम किसके टर्म में लाएंगे, रेजिस्टेंस लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसी के टर्म में आपको पता है। तो इसको हम थोड़ा सा और करते हैं, जैसा कि अगर ये बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दिस रेक्टेंगल मूव्स विथ वेलोसिटी, मूव्स विथ वेलोसिटी दैट इज वी, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू, जब वी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज इक्वल टू वी बी एल, वी बी एल होता है, ये क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू हो जाता है आपका वी बी एल, वेयर वी इज अ वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा बात है, अब ध्यान से देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में भी वी बी एल आप लगा सकते हैं, जिसको हम वी बी एल से नहीं बनाना चाह रहे थे क्योंकि उसमें हम ये फॉर्मूला हम बताना नहीं चाह रहे थे। तो आप इस फॉर्मूले से पिछले क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इजी कर सकते हैं, वीबीएल से वेलोसिटी कितना था, सिंपल सा बात है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पिछला वाला क्वेश्चन तो इससे एक बार में ही आपका बन जाएगा, फिर भी आपको समझ में, एरिया जो होता है यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। तो वी बी एल वहां पे हम कर रहे थे ना 5 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर उसका क्या था लेंथ था, एल था, और 2 सेंटीमीटर क्या था, सिंपल सवाल थे 1 सेंटीमीटर के स्पीड से जा रहा था, तो क्या था टू, तो 2 × उसमें ध्यान से देखें टाइम से करेंगे तो वी बराबर क्या होता है वेलोसिटी कितना था 1 सेकेंड पर, तो 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा × 2 कर दिए, तो ये आपका आ रहा था। तो याद रखिएगा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के केस में वी बी एल, ये हम जब थ्योरी पार्ट बताए थे तो उसमें हम कवर अप किए थे, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू है। और अगर आपको चाहिए करंट, तो करंट क्या हो जाएगा वी बी एल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन द सेंस इन टोटल रेजिस्टेंस, तो यहां से आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू आई बी एल, तो आई का वैल्यू वहां से हम रखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा I क्या है वी बी एल बाय आर इंटू बी इंटू एल, तो यहां से आपका आ जाएगा वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर,
ये आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एज वेल एज टोटल रेजिस्टेंस, तो इसके टर्म में आ गया। आपको क्या निकालना है, आपको वेलोसिटी निकालना है कि किस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, आगे किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। आपको वी निकाला, मैग्नेटिक फोर्स आपको दे दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए अब एक ही अननोन बचा है वेलोसिटी, तो इधर रख देंगे हम क्या 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 न्यूटन वेलोसिटी वी रखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया हुआ है 0.02, तो इसका स्क्वायर कर देंगे इंटू लेंथ, लेंथ आपको पता है, यहां से बस एक ही अननोन है वी जो कि आपका आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि आखिर लग किधर रहा है, और वी बी एल में फोर्स किधर लग रहा है, ईएमएफ, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये किधर जनरेट हो रहा है। तो याद रखिएगा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होता है क्यू इंटू वी क्रॉस पी, वी क्रॉस पी। अब ध्यान से देखिए इसमें जो लेंथ होगा किसके वजह से ईएमएफ डेवलप होगा, तो वी क्रॉस बी यानी वी और बी में कभी भी एंगल, सिंपल सा बात है वी क्रॉस बी है, तो सिंपल सा बात है वी क्रॉस बी। अब ध्यान से देखिए वी क्रॉस बी हम सब के केस में निकालेंगे, तो इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो सिंपल सा बात थंब का जो डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन है। तो सिंपल सा बात है वेलोसिटी जो है, ये फिंगर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखा रहा है, पाम जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये थंब जो है वी क्रॉस बी थंब का जो डायरेक्शन है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंपल सा हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हायर पोटेंशियल इधर होगा एग्जैक्टली, ये भी वैसे ही जाएगा, तो इधर हायर पोटेंशियल आएगा इधर लोअर पोटेंशियल आएगा। अब इसके केस में क्या हो जाएगा, इसमें किधर फोर्स लगेगा, तो सिंपल सा बात है वी उधर ही है, वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी का वैल्यू अगर हम निकालें इसमें, तो इसको हम अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहा है कि आप इसमें बताइए कि इंड्यूस्ड, इट सेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हमेशा हम यूज करते हैं वी बी एल, जैसा कि आपको वेलोसिटी पता है, और इसमें जो लेंथ होगा ये लेंथ हम देखते हैं हर बार, ये वाला लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ हम हमेशा देखते हैं कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर लेंथ कौन सा है, तो ये लेंथ आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। और इसमें अगर ईएमएफ आप पूछिएगा कि करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, तो याद रखिएगा वी क्रॉस बी, तो थंब का डायरेक्शन इधर होगा, उधर पे पॉजिटिव टर्मिनल बनता है, फोर्स उधर लग रहा है तो उधर पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, तो इधर क्या बनेगा, इधर आपका पॉजिटिव टर्मिनल, इधर आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें आपसे सेकेंड पार्ट में पूछा है कि फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी यहां से निकल जाएगा, इसका जो लेंथ करेंगे एल, एल इन द सेंस एल जो होगा, तो एल ये वाला लेंथ नहीं होगा, एल ये वाला लेंथ होगा जो कि परपेंडिकुलर है, जो मैग्नेटिक फील्ड में पूरा परपेंडिकुलरली जा रहा है, तो ये वाला कौन सा, हम हमेशा बता रहे हैं कि हॉरिजेंटल। अब इसमें आप देखिएगा, और लास्ट वाला पार्ट में आपसे पूछा है कि ईएमएफ बताइए, और ये इंटायर लूप यानी कि ईएमएफ इन ए बी सी डी फिर वापस से ए, तो इंटायर लूप के लिए हम क्या यूज करते हैं, हर बार की तरह बी बी एल, तो उसको यूज करेंगे। तो यहां से पहले वी का वेलोसिटी, वेलोसिटी हम निकाल ले, तो वेलोसिटी अगर हम निकाल ले तो आपका आ जाएगा यहां से वेलोसिटी, और वेलोसिटी को यूज करके लास्ट में वी बी एल निकालेंगे जो कि आपका सेकेंड पार्ट में पूछा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली v दैट इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय इंटू 2 ओम, और यहां पे आपका हो जाएगा 0.04 0.02 का स्क्वायर, तो 0.02
और यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो L का स्क्वायर, तो L क्या है यहाँ पे, L हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो 8 × 10⁻²⁪ मीटर, तो 8 × 10⁻²⁪ का होल स्क्वायर, L स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 10⁻⁴। अब ऐसे ही करेंगे तो ये आपका 2 × 2 आपका हो जाएगा 4, और 10⁻⁴, तो -4 -4, तो ये आपका हो जाएगा माइनस। अब यहां से आपका आ जाएगा सिंपल सा, दिस इज वेलोसिटी। अब इसको थोड़ा सा चेंज करें तो क्या हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा एग्जैक्टली, ये भी आपका डिवाइडेड बाय 10, और ये भी आपका 2 से, सिंपल सा बात है। अब क्या बचा, अब आपका बच गया ये 1/4, 1/4 को ऊपर ले जाएंगे और नीचे 1/10, तो ऊपर अगर गया तो 10⁴, 4, तो 8 हुआ, 8 जाएगा ऊपर तो 8 में 3, तो 10⁴ हो जाए, सिंपल सा बात है कि 8 है तो 10�³ बचेगा, 10² डिवाइडेड बाय, सिंपल सा बात है 4, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी आपका क्या आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या पूछा है सेकेंड पार्ट में कि आप ईएमएफ बताइए, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एंटायर लूप। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू के लिए हम हमेशा फॉर्मूला यूज करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इन द लूप। इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है, ए बी सी डी और फिर वापस से ए, तो ए से लेके फिर वापस से ए तक जाएंगे, तो वैल्यू आपका क्या आ जाएगा सिंपली वी बी एल। वी क्या है, वेलोसिटी, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या है, लेंथ। और ये लेंथ में वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम लेंथ की बात करें तो उस फील्ड के जो वर्टिकल में है, नोट ए हॉरिजेंटल, ये वाला लेंथ मत ले लीजिएगा 32 सेंटीमीटर, तो हम कौन सा लेंथ करें, लेंथ अगर करें तो उसमें हम क्या करेंगे, वर्टिकल लेंथ, वर्टिकल लेंथ, लेंथ इन द सेंस वर्टिकल लेंथ। तो यहां पे वी, वी आपको कितने दिया है 25 मीटर पर सेकेंड। बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 0.02, 0.02। लेंथ, लेंथ क्या होगा, तो लेंथ ये, और अगर पूछे करंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो सिंपल सा बात है, करंट इधर मूव करेगा पूरा सर्किट में। अब इधर से इधर, सिंपल सा बात है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा करंट, वैसे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो करंट उसके अपोजिट है, इधर से आएगा फिर ये भी उधर से जाएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिलाइज करेगा। तो आपसे क्या पूछा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो वी बी एल, तो वी बी एल, और एल के लिए हम कौन सा लेंथ लेते हैं, हमेशा वर्टिकल लेंथ, तो यहां से आपका आ जाएगा एल का वैल्यू 8 × 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। सो होपफुली ये आपका सेकेंड पॉइंट भी आ गया। अब लास्ट पार्ट क्या पूछा है कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो जैसा कि आपको करंट भी दिख रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में, और यही अगर पूछे कि इंटायर लूप का, तो इसका भी वैल्यू वही आएगा, इसका भी वैल्यू वही आएगा, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। और अगर नेट ईएमएफ की बात करें, नेट ईएमएफ की, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, जीरो हो जाएगा। अब